हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा जी, आज मैंने थोड़ी सी आपको अपडेट देनी थी यूके में जो है लॉकडाउन हो रहा है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जो है कल बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया है कि जी जो नॉन एसेंशियल स्टोर्स हैं, जैसे कोई कपड़ों की यहाँ पे शॉप्स होगी, मैकडोनल्ड हो गया या इस तरह की चीज़ें, जैसे नैंडोज हो गया, कोस्टा कॉफ़ी होगी, ये सारी जो है ये बंद करेंगे अभी, ठीक है जी। और लोगों को इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि पार्क्स वगैरह में भी आप ना जाएं। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि लॉकडाउन इस वजह से भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे कल इसने प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोगों को जो है स्ट्रिक्टली अपने घरों में रहना चाहिए और पार्क्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए, और अगर लोग नहीं मानते तो फिर मैं इससे ज़्यादा टफ़ जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता हूँ। तो यूके की गवर्नमेंट सोच रही है लॉकडाउन की तरफ। और लंदन में इन्होंने 40 ट्यूब स्टेशन बंद कर दिए हैं, जो लंदन में अंडरग्राउंड लोकल चलती है, उधर लोकल ट्रेन चलती है, और कुछ जो है बसेस भी बंद कर दी हैं लंदन में। और अभी जैसे मैं मैनचेस्टर में हूँ, तो मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, स्कूल वगैरह तो ऑलरेडी बंद है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अभी इन्होंने मैकडोनल्ड्स, कोस्टा और शॉपिंग मॉल में भी काफ़ी शॉपें जो हैं बंद कर दी हैं, कपड़ों वगैरह की, जूतियों की। और ये है कि यूके भी लगता है कि लॉकडाउन की तरफ ही जा रहा है। अभी तक लॉकडाउन यहाँ पे हुआ नहीं है, बट ये है कि यूके लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। और चले ठीक है, फिर अगर कोई लॉकडाउन के रिलेटेड अपडेट आती है यूके के बारे में तो वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और कोरोना वायरस से जो है बचने के लिए आप अपने किसी के साथ मिले ना, और अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि ये है कि आपको जो है कोरोना वायरस लगने का ख़तरा ना हो। चले ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।